क्या यही वो पाकिस्तान है जो अल्लाह के नाम पर वजूद में आया था? नहीं। कि एक हाथ में कुरान दूसरे हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए कि नहीं? ये चीज भी जरूरी है क्योंकि अगर दुनिया की तालीम हमारे पास होगी तब ही हम दीन को फतह कर सकेंगे। साइंस चाहिए कि इस्लाम चाहिए? इस्लाम चाहिए, हमें इस्लाम चाहिए। इस्लाम इस्लाम क्या चूतिया बनती है ये? जो लड़कियां मदरसा में पढ़ती हैं, स्कूल नहीं जाती, तो उनको जो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें कितना सरवाइव करना पड़ता है? जरा सुनिए, मेरे ख्याल से जो बंदा कुरान पढ़ लेता है ना उसको दुनिया में सरवाइव करना आ जाता है। झूठ बोलने झूठ मत फैलाओ देश में। स्कूल्स ज्यादा बनाने चाहिए पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए कि मदरसे बनाने चाहिए? दोनों चीजें, लेकिन ज्यादा मदरसा बनाना चाहिए। आखिर क्यों? क्योंकि दुनिया के लिए हमें जामिया भी चाहिए और फिर मदरसा वगैरह और स्कूल भी चाहिए। लानत है पाकिस्तानियों तुम पे, लानत है तुम पे। रुको जरा, असम में अभी हाल फिलहाल बोला 1000 मदरसे बंद कर रहे हैं असम में। क्या बात कर रहे हैं बाबा? टोटल 3000 मदरसे हैं असम। ये जो 3000 मदरसे हैं उसमें से 1000 को बंद कर दिया, बचे 2000 उसको भी मॉडर्नाइज करने की बात चल रही है। मॉडर्न लोग जो हैं वो मदरसों के बड़े खिलाफ है कि यहाँ पर सिर्फ जिहाद सिखाया जाता है। बात तो सही है। मॉडर्निटी ये नहीं कि सिर्फ लोग इंग्लिश सीखे या दुनियावी तालीम से, मॉडर्निटी ये है कि आज दुनिया में जो चीज नहीं है और वो आप इजाद करें, वो क्या है? हमारा दीन इस्लाम है। वुमेन। आज एक बार फिर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मदरसे छाप पाकिस्तानी जाहिली, जो दिखने में पेंगुइन जैसी लगती हैं और हम हिंदुस्तानियों का मनोरंजन बहुत शिद्दत से करवाती हैं। तो बिना देर किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपने स्कूल की मॉडर्न एजुकेशन को छोड़ के मदरसा सिस्टम क्यों चूज किया? इसलिए क्योंकि एक अल्लाह फरमाता है कि एक ज़ाबता हयात है, दुनिया जिंदगी को गुजारने का तरीका है। हाँ, दुनिया को गुजारने का एक तरीका है, उसका हदूद है, कवानीन है, लेकिन इसके साथ साथ हमें आखिरत को भी देखना है। मुझे ये बताओ, आपने कितने तक स्कूल गई हो, कितनी जमातें पढ़ी हैं? मैंने 6th क्लास पढ़ी। आपने कितना पढ़ा? मैं मिडिल क्या हुआ मैंने मिडिल आपने कितना मैट्रिक किया हुआ है? मैट्रिक आपने? मैट्रिक आपने? 8th क्लास आपने? एफए किया हुआ आपने? मैट्रिक इंटर एफएससी। अच्छा, कोई किसी बच्चे की तालीम एफएससी है, किसी ने मैट्रिक किया हुआ है, तो स्कूल कॉलेजेस को बाय बाय बोल के मदरसे में क्यों आपने एडमिशन किया? कहते हैं साइंस का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, लड़कियों को मॉडर्न तालीम, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, मदरसे में पढ़ के क्या मिलेगा आपको? जैसे कि हम जानते हैं दुनिया की तालीम तो जरूरी है, मगर उसके साथ साथ हमें इस्लाम को भी देखना है, इस्लाम की तालीम भी हासिल करनी है, वो भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, उससे हमें दुनिया को गुजारने के हमें सारे तरीके मिलते हैं, आखिरत की तैयारी होती है। साइंस चाहिए कि इस्लाम चाहिए? इस्लाम चाहिए, हमें इस्लाम चाहिए। इस्लाम 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 इस्लाम। एक बेटी के लिए अगर दीन की तालीम जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगली जो जिंदगी होती है ससुराली जिंदगी, वो गुजारने का जाब्ता, वो तरीका, वो सलीका, वो शऊर हमें आ जाता है। बस कर मदरसा छा बहन, जब हम वो तालीम हमारे पास होगी हम अपने घर की, हमें सबर करना आएगा, हमें शुक्र करना आएगा, तहम्मुल मिजाजी हमारी जिंदगी में आएगी, कनात हमारी जिंदगी में आ जाएगी। चलिए आप मुझे ये बताएं कि अगर मदरसे के अंदर इंग्लिश पढ़ानी चाहिए कि नहीं पढ़ानी चाहिए? नहीं पढ़ानी चाहिए। पढ़ानी चाहिए? वो कह रही है कि इंग्लिश नहीं पढ़ानी चाहिए। जब लोग तालीम याफ्ता हो जाए यूनिवर्सिटीज में जाएंगे तो देखो उसका हुलिया क्या होगा, जब उसके पास कुरान का इलम नहीं तो वो कैसे अल्लाह के मर्जी के खिलाफ चलते हैं ना। तो इसलिए हमें कम उम्र में जो है वो तालीम दिया जाता है दीन के, ताकि जब हम बड़े हो जाएंगे तो जब यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में जाएंगे तो अपने रब की हुदूद के मुताबिक ही उस जिंदगी गुजार के। चलो मुझे ये बताया कि आज तक मदरसा स्टूडेंट ने क्या इजाद किया? कोई एटम बॉम्ब बनाया, कोई रॉकेट बनाया, कोई हेलीकॉप्टर बनाया, कोई दवाई बनाई? मदरसे में आप लोगों ने क्या दिया पाकिस्तान को? के मुसलमानों पर कितना जुल्म, वो हमसे क्यों ताकतवर है? क्यों जब वो छोटे छोटे होते हैं तो माँ बाप उसको मदरसों में जो है वो बेचते हैं और फिर उसके बाद उसको दुनियावी तालीम जो है वो देते हैं। सवाल ये उठता है कि बच्चे मदरसे में जाते हैं, इन्होंने आज तक कोई चीज इजाद क्यों नहीं? इजाद क्यों नहीं की? पाकिस्तान के मदरसा साहब जिहादियों ने सुसाइड जैकेट इजाद की है ना, जब तक उनके पास इतनी रकम नहीं होगी मदरसे में रहकर दीनी तालीमी हासिल करने के लिए कुर्बानियां ही देनी पड़ती है। अरे तो आंटी जी, आपने अभी तक क्यों नहीं दी है कुर्बानी? दो ना कुर्बानी, बुढ़ापा आ गया है। कुर्बानी चीख चीख कर बोल रही है। आप दो ना, आप दो ना। दीनी के लिए बच्चों से बात करेंगे, आपको क्या लगता है कि एक हाथ में कुरान दूसरे हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए कि नहीं? ये
चीज भी जरूरी है, क्योंकि अगर दुनिया की तालीम हमारे पास होगी तब ही हम दीन को फतह कर सकेंगे, तब ही हम इस्लाम को फतह कर सकेंगे। इस्लामिक हिस्ट्री देखे, जो सारे केमिकल सारे ये जाबिर बिन हयान को जानते वो इस्लामिक स्कॉलर था, तो उन्होंने ईजाद, ये कुरान से ही सब कुछ है जो है वो ईजाद कर रहा है। लोग कहते हैं कि मदरसे के अंदर बच्चे पढ़ेंगे मौलाना बनेंगे, आप मदरसा जो है टीचर्स बनेगी, इतने मदरसे और इतने स्कूल्स कैसे करेंगे, आपको जॉब्स कैसे मिलेंगे? आजकल तो जॉब उनको मिलती है जो डॉक्टर होता है, इंजीनियर होता है, कैसे कैसे। लेकिन जब उसके साथ दुनियावी इल्म हो तब भी तो ज्यादा जरूरी है, दोनों चाहिए, ना सिर्फ दुनियावी नहीं चाहिए बल्कि दीनी भी चाहिए। दुनियावी स्कूल पढ़ाया जा रहा है, बायो फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, अभी हमारे मदरसे इतने डेवलप नहीं हुए। एक साल का कोर्स, इसके बाद हम अपनी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू करेंगे। बात ये है कि जो साहबा कराम थे ना, तो उनको भी कोई दीनी तालीम तो नहीं दिया गया था ना, यही दीन की तालीम अब सल्लम ने दिया था, तो इसलिए जो कश्ती बनाई गई वो किसने बनाई? नूह अलैहिस्सलाम ने। आज क्या हमारी वो जो साइंस है वो बना सकती थी? नहीं, जबकि नूह अलैहिस्सलाम ने बनाई, यहाँ तक आया है, ये उन साहबा कराम से आया है। मॉडर्न लोग जो है वो मदरसों के बड़े खिलाफ है कि यहाँ पर सिर्फ जिहाद सिखाया जाता है। मॉडर्निटी ये नहीं कि सिर्फ लोग इंग्लिश सीखे या दुनियावी तालीम सीखे, मॉडर्निटी ये है कि आज दुनिया में जो चीज़ नहीं है और वो आप ईजाद करें, वो क्या है? हमारा दीन इस्लाम है। जब हम दीन इस्लाम पर डट जाए ना, तो कोई मॉडर्निटी, सिर्फ मॉडर्निटी फिर हमारी है। साइंस भी लाइक, तो क्या मैं सुसाइड कर लूं? दीन इस्लाम की है, बात ये है। आज का अगर पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है तो हमें साइंस को पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मदरसों में तो साइंस को पढ़ाना कहते ये तो हराम काम है। नहीं, मदरसे ने कभी नहीं इसको हराम नहीं करार दिया। जो हमारी डॉक्टर ज़ेबा है उसके साथ दीनी इलम भी है, दुनियावी, तो कितनी हद तक वो पहुंच गई है देख ले। आज इलेक्शन में वो खड़ी है, इससे हमें तरबियत मिलती है जो कि हमारी उस्ताजा है उससे कि दुनिया दोनों तालीम हासिल करना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं, स्कूल्स एक मिनट, स्कूल्स ज्यादा बनाने चाहिए पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए कि मदरसे बनाने चाहिए? दोनों चीज़ है, लेकिन ज्यादा मदरसे बनाने चाहिए, क्योंकि एक दो है दुनिया के लिए, हमें जामिया भी चाहिए और फिर मदरसा वगैरह और स्कूल भी चाहिए, क्योंकि स्कूल जो है वो दुनिया के लिए है। मदरसे ज्यादा बनाने चाहिए क्योंकि पाकिस्तान में अगर हम देखें तो इस्लामी तालीम का फुकदान बहुत। इस वक्त इंडिया के अंदर मदरसों को खत्म करके वहाँ पे स्कूल बनाए जा रहे हैं, तो जो इंडियन लोग देख रहे हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी या मुसलमान बच्चे मदरसा जरूर जाएं, लेकिन साथ साथ अपने आप को मॉडर्नाइज करें, मैथ पढ़े, बायो पढ़े, फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्यूटर पढ़े। हमारा दीन हमें मना नहीं करता ये दुनियावी तालीम से, मगर हमें साथ साथ मदरसे की तालीम भी जारी रखनी चाहिए। जो लड़कियाँ मदरसा में पढ़ती हैं, स्कूल नहीं जाती, तो उनको जो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें कितना सर्वाइव करना पड़ता है? जॉब्स कैसी होती हैं, आपको पब्लिक कैसा ट्रीट करती है? मेरे ख्याल से जो बंदा कुरान पढ़ लेता है ना, उसको दुनिया में सर्वाइव करना आ जाता है। जो दुनिया की तालीम है, दुनिया की तालीम जीरो है, लेकिन जो हमारी दीन की तालीम है ना वो 100%। अगर कोई बंदा दीन की तालीम हासिल कर लेता है और सही तरीके से उस पर अमल भी करता है, ये नहीं कि बस हासिल करो, उस पर अमल भी करो। हमारी जो डॉक्टर ज़ेबा है वो हमें सिखाती हैं कि बस पढ़ना नहीं, उस पर अमल करना है, और बाकी दुनिया की तालीम तो जीरो है। जब हम दीन को सही तरीके से अमल करेंगे ना, आज हम अपनी सहाबा की स्टोरीज देख लें, जो भी अब हम तरीक पकड़ लें सहाबा की, वो कामयाब है वो। तो ये था आज का वीडियो, आपके क्या थॉट्स इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। क्यों यू किट भाई।